सिनेमा, जिसे हिंदी में चलचित्र के नाम से जाना जाता है, जिसका कार्य लोगों को अपने एक हीरो से परिचय करवाना है। न जाने कितने हिंदी सिनेमा में हीरो आए जिन्होंने कभी लोगों को हंसाया तो कभी ब्लेम की नाक में दम किया, कभी हीरोइन के साथ रोमांस किया तो कभी जीवन के सार को लोगों को समझाया। पर असलियत में वो तो सिर्फ अभिनेता हैं। उनका काम नायक को दिखाना। हमारे नायक जिनके साहस की कहानी आज भी सुनाई देती है, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, वो नाम जो हमारे देश के नायक बने। ऐसे ही होते हैं नायक जो अपने आप को साबित करते हैं, विषम परिस्थितियों में अपने विवेक पर काम करते हैं, उन पर संयम रखते हैं, अपने संयम और साहस का परिचय देते हैं। ऐसे ही कई नायकों की कहानी भरी है सेफ शॉप में, और आज सेफ शॉप के एक और नायक। डायमंड लीडर मिस्टर रामलाल चौधरी। जगदीश चौधरी, गांव पतियली, समस्तीपुर बिहार, यहीं रहते और खेती कर अपनी पत्नी श्रीमती मिथिलेश और अपने तीन बच्चों का लालन पालन करते। इन्हीं के आंगन में 4 जनवरी 1980 को जन्म हुआ रामलाल का। एक भाई एक बहन के साथ जीवन की शुरुआत की और शिक्षा मध्य विद्यालय से शुरू की। 8 से 10 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हसौली कोठी से और 11वीं-12वीं समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर आ गए। पढ़ाई बीच में ही छोड़ बनारस चले गए अपने काम की तलाश में। पिता के साथ खेती में मेहनत की थी तो बनारस में कोरियर का काम करने के लिए आगे बढ़े। फिर वहां से औरंगाबाद महाराष्ट्र चले गए। यहां पढ़ाई के महत्व को समझा। जगह जगह काम लेने पर जब पढ़ाई की उपयोगिता को समझा तो दोबारा से पढ़ाई करने का निर्णय किया। तो यहीं औरंगाबाद से पीएस कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस से दोबारा पढ़ाई की शुरुआत की। आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज औरंगाबाद से ग्रेजुएशन की, साथ ही लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम करने लगे। एमबीए की शोभित यूनिवर्सिटी नोएडा से हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। ग्रेजुएशन से ही लैब टेक्नीशियन की जॉब करने लगे थे तो अनुभव हो चुका था। 3 जुलाई 2005 माता पिता ने वैवाहिक जीवन में बांध दिया। एमी चौधरी से शादी हुई। जिम्मेदारी और भविष्य की चिंता ने नई जॉब तक पहुंचाया। 2005 में ही एमआर की जॉब करने लगे और 2 साल बाद खुद का मेडिकल इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। 2007 से 2015 तक उन्होंने अपने आप को औरंगाबाद से बिहार पूरी तरह स्थापित कर लिया। यहां अपनी लैब खोली और इक्विपमेंट के व्यवसाय को और बढ़ाया। इसी समय अपनी बच्ची शर्वनी और ओमकार के पिता बन चुके थे। इन्हीं की बेटी शर्वनी के टीचर ने इन्हें सेफ शॉप के बारे में बताया। प्लान अच्छा लगा तो संजय कुमार के सानिध्य में इसे ज्वाइन कर लिया। पर जब इसके बारे में अपने दोस्तों को बताया तो उन्होंने मना कर दिया। एक दोस्त ने इस बिजनेस को 2008 में ही मना कर दिया था तो उसे बेवकूफी वाला निर्णय कह रामलाल को चेताया। उन्होंने इसे चैलेंज की तरह स्वीकारा
और अपने आप को सही साबित करने लग गए। हौसले थके नहीं, उम्मीदें भी बुझी नहीं, रात गुजरी आएगी फिर सुबह एक नई, हर नजरिए कह रही क्यों नबी ऐसे है रही। मेंटर शुभकांत सर के साथ पूरी शिद्दत के साथ काम करने लगे, बारीकियां सीखी, ट्रेनिंग ली और अपने मनोबल को बढ़ाया, हौसला बढ़ाया और जरूरत पड़ने पर शुभकांत सर साथ रहते थे। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भवन, विजय भवन, गगन कहे विजय भवन। इसी के साथ अपनी मेहनत और टीम का विस्तार किया। 10,000 की टीम का जब टीम ने आंकड़ा छुआ तो उन्हें बनाया सेफ शॉप कंपनी में डायमंड लीडर मिस्टर रामलाल चौधरी। सच के साथ अपनी मेहनत करो दोस्तों, यकीनन सफलता आपको ही मिलेगी। शुक्रिया मेरी मेहनत में मेरा साथ देने के लिए। Oh, my God.
हमी सिकंदर अरमानों का हमी समंदर आसमान के सिरे बांधते पाँव उठाकर सिंधु लादते ऐसे हम हैं निगर को भी हम लोगों ने डट के करना सिखाया है, मुश्किलों से उलझे तो उसे भी रोना आया है, पूछो क्या क्या राह हमारी है, वक्त से आगे जो देखे ऐसी निगाह हमारी है। सिद्धि है सिद्धि है सिद्धि सिद्धि है सिद्धि है सिद्धि है सिद्धि है सिद्धि सिद्धि है सिद्धि है सिद्धि है सिद्धि है जज्बे सिद्धि है सिद्धि है सिद्धि है सिद्धि है जज्बे सिद्धि है सुखम प्रदाता सदा बसंतम।